बनारस अगर किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वह है उसके मनमोहक घाट। तो आज हम सारे घाटों की यात्रा करेंगे। सुबह में घाट बहुत अच्छे दिखते हैं, तो इसलिए हम लोग तड़के सुबह ही घाट के लिए निकल लिए थे। गुदौलिया चौराहा पहुंचकर चाय की चुस्की लिया और साथ ही खिचड़ी बाबा की खिचड़ी भी खाई, जो कि विश्वनाथ मंदिर के सामने ही मिलता है। और फिर ज़्यादा देर न करते हुए पहुँच गए हम घाट पर। घाट पर पहुंचकर सबसे पहले स्नान करने का विचार आया। नाव वाले से पता चला कि घाट के दूसरी तरफ स्वच्छ पानी है और 50 रुपये लगेगा आने और जाने का, और वहां पर आधे घंटे आपको वहां पर रोकेगा भी, तो इसलिए हम लोग वहां पे चले। घाट के दूसरी तरफ का नज़ारा कुछ अलग ही था। जहाँ एक तरफ पक्के घाट बने हुए हैं तो दूसरी तरफ बालू मैदान का एक साम्राज्य था। यहाँ मैदान में आप घुड़सवारी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। दोनों के चार्जेस 50 रुपये हैं। हमने भी घोड़े की सवारी की और चार्जेस को 50 रुपये तक कराया, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा चालाक निकले और हमको बस आधी ही दूरी घुमा कर छोड़ दिया। ऐसे ही थोड़ी ना बनारसी गुरु अपने भौकाल के लिए जाने जाते हैं। खैर, फिर हमने गंगा माता के शीतल जल में स्नान किया और अपने आप को तृप्त महसूस किया। आधे घंटे बीत चुके थे और अब हमको वापस घाट पर चलना था। रास्ते में हमने नाव वाले से सारे घाट घुमाने की चर्चा की तो उसने पर पर्सन 150 रुपये किराया बताया। हम भी तैयार हो गए। हम दो लोग थे, हमने अन्य सवारियों का इंतजार न करते हुए पूरी नाव 400 रुपये में बुक कर ली। यात्रा का रूट इस प्रकार तय हुआ कि दशाश्वमेघ से हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र से मणिकर्णिका और मणिकर्णिका के बाद हमको दशाश्वमेघ पे फिर छोड़ देगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे की यात्रा होगी। अब हम गंगा माता की गोद में थे। एक लंबे समय से देखा हुआ सपना आज साकार हो रहा था। इतना आनंद आ रहा था कि अब शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस रूट के अंतर्गत लगभग 40 घाट आ जाते हैं। अगर आपको और घाटों की यात्रा करनी है तो आपको अधिक पैसे पे करने होंगे। बात करें बोट की, जो मशीन से चलती हैं, तो उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप उनसे भी यात्रा कर सकते हैं कम समय में, पूरे के पूरे 84 घाटों की। उनके भी रेट्स 1000 से 1500 के बीच में होते हैं पूरी नाव बुक करने के लिए। नाव के कोई किराए फिक्स नहीं हैं, आप जितना अधिक बार्गेनिंग करा सकते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पे उचित रहेगा। खैर, चलिए यात्रा का आनंद लेते हैं। एक एक करके घाट आते जा रहे थे और वहाँ पर उपस्थित लोगों का कौतूहल देखते बन रहा था। कोई स्नान कर रहा है, कोई पूजा अर्चना कर रहा है, तो कोई अपने भौकाल टाइट कर रहा है। सब कुछ आनंदमयी था, सब कुछ अच्छा था। हरिश्चंद्र जाने का रास्ता बहाव के विपरीत है, इसलिए नाव वाले को बड़ी दिक्कत हो रही थी वहाँ तक जाने में। और अंत में हम लोग पहुँच गए अपने स्टार्टिंग पॉइंट राजा हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पर हमको 5 मिनट के लिए रुकना है। राजा हरिश्चंद्र के घाट की अपनी अलग ही महत्ता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। हम बगल में ही स्थित केदार घाट भी गए। वहाँ पर साउथ की शैली में बना एक मंदिर बहुत ही अधिक सुंदर दिख रहा था। और यहाँ पर थोड़ी देर रुककर हम लोग वापस हो लिए दशाश्वमेघ घाट के लिए। रास्ते में हमें प्रसिद्ध दरभंगा घाट दिखा, जिसे दरभंगा के राजा ने बनवाया था। उसके अलावा पांडे घाट, मुंशी घाट और बहुत सारे घाट एक एक करके दिखते जा रहे थे। इन सभी घाटों का पुनरुद्धार लगभग 1700 ईस्वी के आसपास मराठों ने करवाया था, और भी कई अन्य राजाओं ने यहाँ पर अपने अपने जीर्णोद्धार करवाए हैं। और तकरीबन आधे घंटे की यात्रा करके दशाश्वमेघ घाट को पार करके हम लोग पहुँच गए थे सबसे प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट। हम लोग अब सिंधिया घाट उतर चुके थे।
सिंधिया घाट के बगल में ही एक शंकर भगवान का मंदिर है जो आधा नदी की तरफ झुका हुआ है। यह घाट बनते समय अपने आप ही झुक गया था। इस मंदिर में हमेशा पानी भरा रहता है और इसे बार बार निकाला जाता है और इसकी पूजा अर्चना की जाती है। अब हम यहाँ से चलेंगे और चलेंगे मणिकर्णिका घाट के लिए। यह एक ऐसा घाट है जहाँ पर 24 घंटे सौदाह किए जाते हैं। मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का घाट भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जलाए जाने से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट के बारे में एक कहानी कही जाती है कि माता पार्वती का कान का कुंडल यहाँ पर खो गया था और महादेव ने खोजा, नहीं मिला तो इन्होंने यहाँ के लोगों से पूछा। लोगों ने बताया नहीं तो महादेव ने सबको श्राप दे दिया था, चंडाल बनने का श्राप। मैंने गंगा के निर्मल तट पर लाशों को जलते देखा है, वायु भूमि और जल में मिलकर मानव को गलते देखा है, अग्निताप से खंडित होकर पंच तत्व बनते देखा है, सुख दुख चिंता मोह सभी को शून्य में घुलते देखा है। मैंने गंगा के निर्मल तट पर लाशों को जलते देखा है। हमारी नाव की यात्रा तकरीबन 2 घंटे की थी और इसमें बहुत ही अधिक आनंद आया। आप लोग भी आइएगा और यहाँ का आनंद लीजिएगा। इसी के साथ रंग बनारसिया का एपिसोड 3 ख़त्म होता है। एपिसोड 4 में हम लोग बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन करेंगे और सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, बहुत ही जल्दी मिलता हूँ एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय बाबा विश्वनाथ।